तरुण भल्ला म्यूजिक डायरेक्टर, अपना 84 से इस फील्ड में एज म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और नंबर ऑफ सीरियल्स DDK एंड डिफरेंट चैनल्स के, ATN चैनल वगैरह वगैरह दिए हैं। मेरा प्रेस्टिजियस मेरे जो TV सीरियल्स हैं प्राइम टाइम के, उनमें मैला आंचल फॉर नेशोना ट्रेनू का लिखा हुआ है, ऊंचे लोग है, स्पेस सिटी सिग्मा साइंस फिक्शन का है, एंड गाया बाया फर्स्ट एनिमेशन सीरियल हिंदी में था DD का, काफ़ी हिट रहा वो। उसके बाद मेरी एंट्री 92 में मुंबई बॉलीवुड में हुई और मेरी शुरुआत ही आशा जी, कविता कृष्णामूर्ति, शानू वगैरह इन लोगों से, इन लोगों को लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी, ये कैसी दीवानगी। उसके बाद 93 में मैंने पाश म्यूजिक डायरेक्शन दी, पाश फिल्म में, उसमें भी आशा जी वगैरह को गवाया, सनी सुपर साउंड से मैंने रिकॉर्डिंग करी और इस तरह से मेरी म्यूजिक जर्नी चल रही है। और एट प्रेजेंट मैं जोहरा भाई फीचर फिल्म कर रहा हूँ, जिसके मैं 3 गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसको बना रहे हैं उदय सेनापति, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, और 3 गाने अभी हम और करने जा रहे हैं। और इसी बीच मैंने कई सिंगर्स को भी अपना मार्केट में लेकर आया हूँ, जैसे संगीता है और नंबर ऑफ सिंगर्स हैं। अभी डॉक्टर माधुरी, ये पेशे से डॉक्टर हैं पर इनका गाने का जो पैशन है वो उसका जवाब नहीं, तो इनकी वॉइस सुनी मुझे अच्छी लगी, तो अभी इनको मैंने गाना इनका रिकॉर्ड किया है फिल्म के लिए, हिंदी फीचर फिल्म है और अभी उसका टाइटल अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उसमें ये गाना गाने जा रहे हैं, अपना गाना रिकॉर्ड कर लिया हमने। सॉरी, बात करें जोहरा भाई की, जो आपने कहा 3 गाने आपने किए, तो किस मूड के गाने हैं ये? जोहरा भाई तो फिल्म एक तवायफ के ऊपर है, लाइक का आपने उमराव जान देखी होगी, आपने पाकिजा देखी होगी, एक तवायफ के ऊपर सब्जेक्ट है, तो उसके 3 गाने मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं और 3 गाने अभी और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पूछ रहा मूड क्या थे, 2-3 गाने रिकॉर्ड किए आपने, उसके मूड? एक गाना जो एक था उसका मुजरा, वो मैंने रिकॉर्ड किया, एक उसमें आइटम सॉन्ग है वो रिकॉर्ड किया, और एक कॉलेज का अपना फ्रेंड्स का जो आपस में एक छेड़खानी होती है वो रिकॉर्ड किया है। आज जो रिकॉर्ड हो रहा है, आप कौन सा गाना हो रहा है आज जो हमारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं, ये जो मैं अभी जिसका टाइटल अभी डिस्क्लोज नहीं, जिस फिल्म का, उसके लिए हमने रिकॉर्ड किए, ये टोटली रोमांटिक सॉन्ग है। हेलो, आई एम हिंदी में बात करती हूँ, मैं मेरा नाम है डॉक्टर माधुरी कश्यप, मैं पुणे से हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मुझे गाने का शौक तो पहले से है, लेकिन आपको मालूम है ये प्रोफेशन के वजह से मैं गाना इस कभी ज़्यादा कर नहीं पाई। वैसे बीजे मेडिकल में जो मेरा कॉलेज है वहाँ पे मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाया था, उसके बाद बहुत साल बीच में कुछ गाया नहीं, फिर 3-4 साल पहले गाना चालू किया और अब करीबन पिछले 1.5 साल में मैंने पूना में ऑलमोस्ट 40-50 शोज़ किए हुए हैं, जो बड़े बड़े थिएटर्स में हुए हैं, यशवंत राव है, बालगंधर्व है, ऐसे बहुत सब सिंगर्स जो पूना के जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, एमेच्योर सिंगर्स हैं, सबके साथ मैंने शोज़ किए हुए हैं और मैंने खुद का बैनर भी लॉन्च किया है, उसको भी 1.5 साल हो गया, उसका नाम म्यूज़िक क्राफ्ट है, तो म्यूज़िक का M और क्राफ्ट का K है, नॉट C, तो मेरी इनिशियल्स है माधुरी कश्यप, उनके हिसाब से वो मैंने बनाया बैनर। अंडर दिस बैनर मैंने बहुत शोज़ किए हैं, बहुत सारे सिंगर्स के साथ किए हैं जो गाना चाहते हैं, नए नए सिंगर्स, सो ये ऑनगोइंग है। इसके बीच में मुझे भल्ला जी का किसी ने नाम सजेस्ट कर दिया, तो मैंने उनको गाने मेरे भेजे थे, उनको गाने पसंद आए, वो भी चाह रहे थे कि कुछ नए सिंगर के साथ कुछ नए सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें, तो हमने मिलकर यहाँ पे इसी स्टूडियो में अभी हमने लास्ट वीक ही 2 नए गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं,
दोनों बेहतरीन है, उसके लिरिक्स बहुत सुंदर है और भल्ला जी ने जो उसको संगीत दिया है, मैं तो कहूँगी कि ये संगीत आपको जब आप सुनोगे तो आपको दिल आपके आपके दिल को छू जाएगा। आज उसकी फाइनल डबिंग है, तो बहुत आज सुंदर, उसकी फाइनल डबिंग बहुत है। सुंदर बने हैं दोनों गाने और उनमें से दोनों पिक्चर के लिए जाएंगे। एक तो ऑलरेडी पिक्चर के हमने हमारी हुई है जैसे उन्होंने बताया, तो दूसरा पिक्चर दूसरा भी गाना पिक्चर के लिए रिलीज होगा। अभी हम हमारे पास डिटेल्स नहीं है, टाइटल वगैरह क्लियर नहीं है, लेकिन ये हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, मेरे शोज अब्रॉड भी हुए हैं प्लान। नेक्स्ट ईयर मैं अमेरिका जा रही हूँ, एक महीने का टूर है, मैं वहाँ पे गाने के लिए जा रही हूँ। आई एम इनवाइटेड टू सिंग ओवर देयर। जैसे सर ने कहा कि तीन गाने हैं फिल्म में, तीनों अलग अलग जॉनर के हैं, तो आपका दो, आपने कहा कि आपके दो गाने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों जॉनर में गाने का? एक जो गाना है वो आउट एंड आउट रोमांटिक गाना है, बहुत ही बेहतरीन उसके लिरिक्स है, वेरी मेलोडियस है म्यूजिक उसका, और वो जब आप सुनते हो तो बिल्कुल जो नया रोमांस है वैसे थोड़ा सा लगता है उसको, जो जिस जिनको मैंने सुनाया है वो गाना उनको बहुत ही पसंद आया है। दूसरा गाना वो भी रोमांटिक है लेकिन उसमें बहुत चढ़ उतार है, वो उसमें म्यूज़िक अलग किस्म का है और उसका गाने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सुर नहीं है, बहुत चढ़ उतार है वो गाने में। जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं और अब जो है सिंगिंग की तरफ आपका रुझान हुआ, तो ऐसे क्या चीज़ थी जो आपको सिंगिंग की तरफ खींच के लाई, और थोड़ा सा बताइए कि डॉक्टरी से सिंगिंग में आने का सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर तो हूँ पेशे से एंड आई लव माई प्रोफेशन, वो भी मैं करती हूँ, मेरा हॉस्पिटल है खुद का तो वो भी मेरा चल ही रहा है। शौक था और ऐसा है कि इसके पहले ज़्यादातर सिंगिंग का अवसर नहीं मिलता था क्योंकि ट्रैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे इजीली। अभी कैरोके ट्रैक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी ट्रैक्स है, तो गाना चालू किया और आस्ते आस्ते इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया। इंटरेस्ट तो था लेकिन उसको साथ भी मिली, म्यूज़िक मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, सिंगर्स मिले, तो ऐसे करके आगे आगे बढ़ गई। और अभी ये प्रोफेशनली करने का कारण एक ही है कि जो मेरी फैंस हैं पूना में वो मुझे बार बार कहते रहे कि मैम आप पूना में आपको वेस्ट कर रही हो खुद को, आपको मुंबई जाना चाहिए, इसलिए हम मुंबई तक आ गए और यहाँ पे दो गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। एंड मैंने कुछ सीखा नहीं है गाना, मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हूँ। तरुण जी की गाइडेंस में चल रही है अभी, तो तरुण जी ने जो जैसे बोला उनका उनका जो उस गाने का जो उनका जो कंसेप्ट है, यानी कि जिस तरह से उनको चाहिए था उस तरह से मैंने गाया है। सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो है बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो आपने इस फिल्म में सारे गाने ओरिजिनल रखे हैं या फिर कोई गाना रहे? क्योंकि जब हम रिक्रिएट करते हैं, सुनिए सर, मैं आपको बता दूँ, जोहरा भाई फिल्म अलग है, ये जो दो गाने हैं दूसरी फिल्म के लिए। हाँ, जोहरा भाई एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग फिल्म कर रहा हूँ, उसके तीन गाने ऑलरेडी मैं अपना कर चुका हूँ रिकॉर्ड। ये दो गाने आज इसकी फाइनल डबिंग है, एक की हो कर ली हमने, एक हम करने जा रहे हैं। ये एक रोमांटिक मूवी है उसमें ये गाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके कौन निर्माता कौन है या उसके प्रोड्यूस बाय वो टीटू, उनका प्रोड्यूसर का नाम टीटू है। एंड उसमें जो न्यू अपना फेस लेकर आ रहे हैं हम, वो अमित खान मेन एज ए हीरो उसमें लेकर आ रहे हैं, बाकी तो अभी टेबल वर्क चल रहा है अपना सारा। उसमें मैम के दोनों गाने होंगे या एक गाने होंगे? दोनों गाने होंगे, दोनों गाने। सर क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो है एक ही फिल्म में अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को यूज किया जाता है, आप एक ही फिल्म मतलब जो आजकल फिल्में जो आ रही है अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से गाने गवाए जाते हैं, और पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एक ही म्यूजिक डायरेक्टर पूरे फिल्म का म्यूजिक करता था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? क्या आपको लगता है कि उसके वजह से जो आज का समय चल रहा है उसकी वजह से म्यूजिक की ओरिजिनलिटी थोड़ी खत्म हो जाती है क्योंकि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं? सर इसमें मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक नहीं होता, कुछ बातें अपने अंदर ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कि भी एक फिल्म में तीन म्यूजिक डायरेक्टर क्यों हैं? बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, आज म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, आज दे आर प्रोग्रामर्स, दे आर टेक्नीशियंस, कंपोजर्स नहीं है,
तो कंपोजर होगा तो उसको पूरी फिल्म मिलेगी ना। पहले ऐसे नहीं होता था ना, सब एक ही पूरा फिल्म करते थे। और अगर ये आप हमारे जो गाने अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूजिक कंपोजर जो रहता है उनका म्यूजिक कैसा रहता है, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक। क्योंकि आपको मैं बताऊं ये चीजें अलग अलग है, एक म्यूजिक कंपोजर, एक होता है प्रोग्रामर, एक होता है अरेंजर। ये तीनों फील्ड जो है एकदम है म्यूजिक में ही, वही सात सुरों में ही है, बट ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे कंपोजर है वो शब्दों को लेके उसको एक स्कैनिंग करता है कि मेरा ये म्यूजिक होना चाहिए, मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ये लिरिक्स राइटर ने लिख दिया, LP साहब ने इसको बनाया, मेरे दिल में आज जो किशोर कुमार ने गाया उसको कंपोज किया, ठीक है, और उसमें फिर क्या म्यूजिक होना चाहिए वो म्यूजिक डायरेक्टर जो कंपोजर होता है अपने अरेंजर से डिस्कस करता है, या अपने प्रोग्रामर से डिस्कस करता है कि इसमें ऐसी बीट होनी चाहिए। ये सब है, बड़ी दौर ही गया सर, ये कह सकते हैं। नहीं दौर गया नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं हूँ। दौर कैसे चले गया? अभी आप जोहरा भाई के गाने सुन लेंगे तो आपको सच में उमराव जान की याद आ जाएगी। लेकिन सर आपको लगता है कि जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होते जा रही है क्योंकि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर एक ही नहीं सर वो जो देखिए ये दौर जो होते हैं ना थोड़े फेस के लिए होते हैं, ज्यादा आप एक बात सुनिए, मैं कल की ही बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ ठहरा हुआ उसके सामने एक अपना क्लब है और वहाँ पे क्लब में एक लड़का गा रहा है और एक लड़का गिटार बजा रहा है। गाना कौन सा गा रहा है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आज का गाना तो कोई नहीं गा रहा ना, आज का गाना तो किसी को पता ही नहीं है। समा है सुहाना सुहाना किशोर कुमार का पुराना गाना गा रहा है। आप फिल्मों में भी देखो अगर रीमिक्स हो रहा है तो पुराना गाना हो रहा है ना, आज का तो नहीं हो रहा, बस ये फर्क है। मुझे ऐसे मैं ऐसे नहीं कह सकती कि कोई स्पेसिफिक सिंगर, मुझे सब गाने अच्छे लगते हैं। लता दीदी ऑफ कोर्स सबको, सबकी फेवरेट है, आशा भोसले जी है तो वो उनके तो नाम लेने हैं। अभी हम अलका एक्टिंग स्टूडियो में है तो आज हमको मैम की मुलाकात हुई, वी आर रियली ऑनर्ड, आई मेट हर, आई एम सो हैप्पी। स्पेशली गाना सुनने आई, स्पेशली गाना सुनने आई अलका जी, और उनको बेस्ट विशेस दी, बेस्ट विशेस दिए, उनके साथ हमने फोटो लिया, हमको उन्होंने बहुत तरीके, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक सीनियर आर्टिस्ट आके एक अपकमिंग आर्टिस्ट को बेस्ट विशेस दे रहा है। उनके भी गाने मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनके गाने स्टेज पे गाए हुए हैं, तो वैसे हर सिंगर्स के गाने में गाती हूँ, कुछ लिमिटेशंस नहीं है, सब अच्छे लगते हैं। आई लव ऑल द सॉन्ग्स, इवन नए गाने भी मैं गाती हूँ एक्चुअली। कार में चलते हैं, घर में चलते हैं, हॉस्पिटल में नहीं चलते। अच्छा इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर अपना मैंने आपको बताया ना एक रोमांटिक मूवी मैं जोहरा भाई के बाद में कर रहा हूँ, और एक किशोर डैंग हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, एक काफ़ी नॉन प्रोड्यूसर हैं किशोर डैंग, जिन्होंने मैला चल फौजी द आयरन मैन नूरी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डिफेंस के लिए भी उन्होंने मूवीज बनाई हैं, वो एक फिल्म करने जा रहे हैं उसका मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, किशोर डैंग की फिल्म का। और भी बातचीत तो देखिए हमारी इंडस्ट्री में चलती रहती है, बट हाँ ये तीन प्रोजेक्ट्स तो मैं कर ही रहा हूँ एट प्रेजेंट। जोरा भाई चल रहा है, जोरा भाई की अब रिकॉर्डिंग है जल्दी से, एंड अपना रोमांटिक मूवी भी स्टार्ट हो रही है, उसका गाना हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज फाइनल कर रहे हैं, और अब किशोर डैंग की एक फिल्म स्टार्ट होने जा रही है बहुत जल्दी। हाँ जी, तो आखिरी में मैम कोई आपका, मैं ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है और बहुत दुख है अपना कि हमारे भाई जवान भाइयों को अपने ऐसे उन लोगों ने ट्रीट किया आतंकवादियों ने, सो ये तो चीज़ जड़ से ख़त्म होनी चाहिए, और हम अपने देश के अपने जवानों के साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं, तन मन धन से।
पाकिस्तानी कलाकारों को सर इंडिया में बैन कर दिया गया इस बात पे, कितना जायज मानते हैं सर इसको आप? संगीत के क्षेत्र में वहाँ के गायकों को, अभिनेता को, खिलाड़ी को, हर किसी को बैन किया गया यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? उसका देखिए, कलाकार से तो कभी बैर रखना नहीं चाहिए, बट ये अब कंट्री कंट्री का एक मामला होता है, क्योंकि वो हमारी कलाकारों की और हमारी इज्जत वहाँ नहीं है। पाकिस्तान में हम लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है, हम कलाकारों को तो एक हमें इज्जत नहीं दे रही दी जा रही है। हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हमारी कंट्री में, उनको नहीं इज्जत दी जाती वहाँ पे, तो हम ऐसे उनको सर पे बिठाएं तो वो भी ठीक जायज़ नहीं है। मगर कलाकार से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कला तो ईश्वर की देन है, उस ईश्वर की देन है, वो एक नियामत है एक इंसान को, तो उससे कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बट दिस इज ए अपना पॉलिटिकल एक वो चीज़ होती है, तो ये आपके हिसाब से सही है या नहीं है? सर मैंने बोला ना कि वहाँ हम लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है। अच्छा, टिट फॉर टैट मतलब? ना, टिट फॉर टैट की बात नहीं है, मैं मेरे से इस बारे में ज्यादा मत बुलवाइए, कहीं और पता चले नहीं फंस गया। Thank you.